पास है, कौन गया हॉस्टल में है, कहाँ थे सब लोग सोए हुए, क्यों मरवा दिया बच्चा, क्यों मरवा दिया बच्चा, वो क्यों मरवा दिया। अगर आप खुद देख रहे हो तो फिर भी लिखने से डरते हो। जिस लड़के दी आज डेड बॉडी से पई है, शरीर ते निशान है, बिल्कुल बड़ी दुख की गल है। पुलिस प्रशासन और इतों की डॉक्टर शाही और इतों के अधिकारियों जे बच्चे ने फा लिया हों तो गर्दन से निशान होने, वो शरीर से निशान हो सकते। हाल है कल दे गरीब लोग बहुत हालात गुजरते हुए अज सड़क के बैठे, सड़क का तापमान देखो कि 40 डिग्री है। वह बेचारे बुजुर्ग कुड़िया भैं बीबिया बेचारिया सड़क से बैठिया ने, लेकिन कठुए का प्रशासन जेदे ते हुण तक कोई रहम दिली नहीं आई। इन्ने लोकी इन बसा इन्ने ट्रक दूरों दूरों सफर करके आए ना, वो बेचारे रास मिट हो रहे ने, वो इत्थे तक नहीं पहुंच रहे। ये पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है? जरा पोस्टमार्टम किया गया सानू कहना चाहना है, इहदा चंगी तरह नाल पूरे प्रोपर तरीके ये तारा फिर बरकरार है जी, 370 तारा तोड़ी गई है। नहीं तो इतने अधिकारी पहुंचने चाहिए सी, उन्होंने देखना चाहिए ही इन्ने लोकी लाल हो जाना ही, लेकिन एक गरीब लोग इन्होंने सबर एक। लेकिन इस स्टेज तो मैं चेतावनी देना चाहना, 100 पिंड पंगोली चौंक पहुंच गया है, माहौल खराब होएगा तो आप प्रशासन जैम बार होएगा। अगर इतने आके साड़ी गल नहीं सुनी बदमाश लुटेरे सरकारी कॉलोनी चलाने वाले ने कातल, उन्होंने पहले गिरफ्तार करो। दूजी मंग है साड़ी कि CBI तो इस केस की जांच होनी चाहिए है, फिर धरना चुकया जाएगा। DC साहब आने थे कठुए के, SSP साहब आने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट दो पूरा अपना डिस्ट्रिक्ट चलाना होंगे, तो दूजे SSP साहब जिन्हें पूरी पुलिस को अपने दायरे के रखना होंगे। असी भी उन्होंने है सेवक है, असी कोई बाहरों नहीं आए है, क्योंकि पंजाब और J&K हर बंदे की रिश्तेदारी इधर उधर है। साढ़े बच्चे आन सानू आश्वासन दवा कि जेडे कॉलेज के हथियारे ने जिन्हों से अज सवालिया निशान लग रहा है, असी इन्हों गिरफ्तार करने CBI तो जांच जी है वह करावे। इस करके मेरी बेनती है जड़िया बसा रुकी ने, जेडे भी लोग बेचारे सफर के आए ने, वह भी साडा साथ दे, क्योंकि एक गरीब बच्चा जिहड़ा BFL पढ़ता सी बहुत होनहार लड़का सी, इहदी भेत भरी हालत जी अज मौत की गई है, कतल किया गया, इहदा इंसाफ लेना बहुत जरूरी है। इहदे नाल मैं सारिआं दा धन्नवादी हाँ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 लड़ के पुलिस मुर्दाबाद, 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 लड़ के पुलिस हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, लड़ के पुलिस हाय हाय। किड्डे भुखो निकली आ कॉलेज वाले, कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 लड़ के पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम इन्हीं के पास तभी तो आए हैं, नहीं तो हमने क्यों इनसे बात करनी। सर एक बात बोले, आप ये काम कर, मैंने सर को नहीं बोला कि आप ये कोई बात नहीं, मैं इंश्योर नहीं मिलेगा, मैं लड़का भेज देगा, यही चीज मैं कोई बात सबमिशन है जो हमारा करे, जो जो भी आप करें, हम इधर ही, हम कहीं नहीं, आप आ जाइए, मैं सब कुछ करूँ। और दिस इज ऑल रिकॉर्ड विद 200-300-400 बन जाएगा। चलो मैं अपनी कंप्लेंट से बात करता हूँ। ओ बड़े बंदे का तुप्पा पेड़ा, ओ इतना कोई नहीं सुनता सारी, ओ इतना कुछ नहीं पता नहीं लगता, ओ ऐसे कुछ नहीं पता नहीं साफ़ दिखता, ओ बच्चा के कोई इंसाफ नहीं है।
हाँ एक मिनट सर, एक मिनट ठीक है। तो आउट पेशेंट कार्ड पे जब बॉडी गई तो डॉक्टर ने लिखा होगा हाँ भाई बॉडी रिसीव्ड विद नेम या जो भी है, ये हाइट है, ये फिजिकल अपीयरेंस है, सब कुछ है, ये यहाँ पे मार्क्स था बॉडी, ये बॉडी मार्क्स है या बॉडी मार्क ऑन नोज या जहाँ पे यहाँ पे नोज है या जहाँ पे एल्बो जहाँ पे भी कट जो भी है फिजिकल अपीयरेंस वो तो लिखा ना, उससे हमें ये हो जाएगा कि हाँ भाई कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड हो रही है। अगर हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे पोस्टमार्टम तो बाद में, वो तो ऑर्गन्स की है ना, दैट इज अ केमिकल एनालिसिस ठीक है। हाँ वो सभी सेटिस्फाई भी हो जाएगी, आप पोस्टमार्टम में जो लिखा हुआ ना उसकी एक फोटो कॉपी व्हाट्सएप पे मंगा, बस व्हाट्सएप कर दो चलो, आउट पेशेंट कार्ड वो पोस्टमार्टम से पहले पहले होता है वो हो जाएगा, उसको व्हाट्सएप कर दो। हाँ ये है कि आपको वो ले लीजिए आप, पहले बात करो ना, क्या पता है भी है कि नहीं है, उधर कहाँ है, बात करो स्टेटमेंट भूले ना, कंफर्मी ऐसे तो कंफर्मी कंफर्मी कार्ड भी बोल सकते हो, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें जितना आप बोल रहे हो हम उससे ज्यादा बढ़ के करेंगे। अरे सर आपकी कमी लगती तो आपके पास आना क्यों था, आप ही तो भरोसा करके आए, आपको बार बार यही तो बताना सर हमें आपसे इंसाफ चाहिए, मिलेगा यही मांग है, वही मिलेगा, तभी बस हम ये चाह रहे हैं कि एक बार जो डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई उसकी हमारे पास हो जाए ना, हम चलो कंफर्म कर लेते हैं, ये हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगी वही लिखा है जो यहाँ पे था, आप हमारे साथ बात करो जो हमारे पास है, जो अगर होगा तो हम बता देते हैं। कहीं पर कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस और समथिंग रॉन्ग हैज गॉन, वी विल लुक इनटू द मैटर कि ऐसा क्यों हुआ। That is a part of investigation. जो जो आएगा हम उसके साथ कार्रवाई करेंगे। There were no cameras from backyard. Even sir, वहाँ पे जो रूम के विंडो थी जब हमारे पास आएंगे जो आपको जो चाहिए जिस तरह से आप बोलेंगे हम कार्रवाई करेंगे। आपको जब कहीं सुसाइड लिखा नहीं है माता जी, नहीं लिखे गए सुसाइड नहीं लिखे गए माता जी, माता जी नहीं बच्चे भी कॉलेज नहीं पहले नहीं दसो कुठे कुने लिखा सुसाइड कुने नहीं लिखे गए सुसाइड कोई सुसाइड नहीं लिखे गए कोई नहीं लिखे गए क्या 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 केस बनाया तो मैडम टाइम पहले पोस्टमार्टम था वो गलत है, हम मानते हैं गलती हुई है मान रहे हैं, पर ये जिन जिन की अगर प्रिंसिपल की गलती है कॉलेज वालों की गलती है उनको कटघरे में रखा जाएगा, अगर उसको सस्पेंड भी करना पड़ेगा उसको प्रिंसिपल को सस्पेंड भी करेंगे, यही चाहते हैं नहीं आएगा लेकिन हमें इंसाफ चाहिए ना, तो इंसाफ कौन लेगा चेक की वेदर दे हैव ऑब्जर्व द सेम थिंग्स व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग राइट नाउ, दैट्स इट मेरी सुने बेटा, वी हैव आल्सो ऑब्जर्व द सेम थिंग्स योर से साहब ने भी वही चीज है, ही हैज दिस मार्क्स। पूजा है ये मेरा भांजा है, हम बिलावर से आए हैं, ये डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, हमें कल 12 बजे पता चला, हमें फोन आता है कॉलेज से नहीं, इसके दोस्त हमें फोन करते हैं कि अरुण की डेथ हो गई है, मैंने कहा बच्चे नहीं झूठ है ये, मैं इसके नंबर पे कॉल कर रही थी ये कोई फोन नहीं उठा रहा था, मैंने अपने घर वालों को फोन किया, अपने मायके में जाके फोन किया कि ऐसे से बात हो गई है, हमने गाड़ी की वहां से आए 3:30 बजे पहुंचे, हमारे आने से पहले इसको उतारा गया कि कहते हैं कि सुसाइड है, इसको पंखे से उतारा, इसका पोस्टमार्टम भी हो गया, हमें आने का हमारा आने का वेट भी नहीं किया, बिना परमिशन के कैसे पोस्टमार्टम हो गया, हमें दिखाया क्यों नहीं, कहां इसने फांसी लगाई, इसका कहना है कि सारे कहते हैं कि सुसाइड है लेकिन इसके पूरे शरीर पे निशान पड़े हुए हैं, अगर इसने फांसी लगाई है फंदा लगाया फंदे का निशान ऊपर को जाता है, इसको कट है नीचे, इसके नाक पे लगी है, इसकी टांगों पे, इसकी बाजू तोड़ी है, इसके बाल खींचे हुए हैं, ऐसा क्यों किया, इसने क्या बिगाड़ा था किसी का, इसके साथ कोई और भी लड़के रहते थे, हाँ इसके साथ इसके रूममेट थे लेकिन उस रात इसके साथ कोई रूममेट नहीं था, इसके सारे चले गए रूममेट, सारे लड़के नीचे सो गए, ये अकेला रह गया, चौकीदार वहाँ पे नहीं था,
खिड़की टूटी है, हॉस्टल की खिड़की टूटी हुई है, इसको मारा गया है, ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले कहते हैं ये सुसाइड है, सुसाइड नहीं है, जितनी इसकी हाइट है ये पंखे से नीचे इसके पांव लगते थे। कितनी बड़ी लापरवाही देखते हैं है, अपनी अपनी मर्जी से उसका उतार के कॉलेज वाले पुलिस वालों की मिली भगत है ये। मेरा पंज है जो लड़का पढ़ता बिलावर बिलावर से, इसके नानके है और इसका माँ बाप इसके करौली में रहते हैं, डिग्री कॉलेज कठुआ में पढ़ता था। कल हमारे को तकरीबन 12:15 के आसपास इन्फॉर्म मिला, किसी दोस्त ने फोन किया इसके, जो इसके साथ पढ़ते थे, जो पहले पढ़ते थे, अभी फिलहाल डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ रहे। उसने फोन किया कि अरुण के साथ ऐसे बात हुआ, हमने यकीन नहीं किया, घर में फिर बात के एक बार दूसरे नंबर बताया किया, इसका नंबर नहीं लगा। फिर हमने छानबीन की, दूसरे रोज फोन करके पता चला, तो तब तक घर में भी सबको पता चल चुका था कि ऐसे ऐसी बात होगी। हम लोग पहुंचे, तब तक पुलिस ने जो इसका पूरा जो सिनेरियो जो मर्डर केस हुआ है उसको बिल्कुल सिनेरियो चेंज करके जो हमारे को गमरा किया जा रहा है, 174 धारा लगा के 374 लगना चाहिए उसको, 174 में कन्वर्ट किया जा रहा है। बॉडी पे कोई मारपीट है? पूरा बॉडी के अंदर मिट्टी के निशान है, पूरी मिट्टी है। अगर जब हैंगिंग होगा तो गर्दन लंबी होगी, कोई भी हैंगिंग होगा, अगर किसी ने फंदा लगाया तो ऊपर को निशान पड़ेगा, नीचे को कट नहीं आ सकते। रूममेट भी वहाँ पे रूममेट कोई नहीं है, ना कोई वार्डन प्रेजेंट है, ना कोई चौकीदार, कोई अवेलेबल नहीं है। फुटेज पे क्या फुटेज बोलते हैं, हमने हर चीज़ का जब इसको हैंगिंग करते टाइम उतारा है, हैंगिंग से उतारा है, तो हमने इसका वीडियो हमारे को किसी ने भी इसका वीडियो नहीं दिखाया, उसका वीडियो ही नहीं आया। अभी तक कुछ नहीं पहुँचा, कोई उपचारित करें, सिर्फ गुमराह करे जा रहे, डेड बॉडी जल्दी जल्दी करो ले जाओ, ये तो सोचते हैं संस्कार हो जाएगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा काम। डिमांड ये है कि इसको 174 को कन्वर्ट करके 374 लगना चाहिए, और जो कातिल है उनकी छानबीन होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, और इसको बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जॉब करते पूरे हिंदुस्तान देखा मैंने, मर्डर भी कैसे, बम ब्लास्ट भी देखे मैंने, कैसे बम ब्लास्ट होता है, कैसे मर्डर होता है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं श्रीनगर काटा, चाइना बॉर्डर काटा, हाफलांग काटा, गलवान भी काट गया हूँ, मैं हर जगह देखा हूँ, मुझे भी पता है कैसे क्या होता है, पर ये सुसाइड नहीं है, इसको सुसाइड मर्डर। पुलिस प्रशासन किसी पे एफआईआर की? किसी पे कुछ नहीं किया, 174 करके बोलने वाला, हम इन्वेस्टिगेट करें, क्या इन्वेस्टिगेट करें, जब इनको खिड़की टूटी हुई नहीं मिली दरवाजे के रूम के अंदर, तो क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब इसके अंदर बॉडी के मिट्टी नहीं मिली इनको, तो क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस, इसका मतलब पुलिस बिक चुकी है।